आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर क्यों करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गुरुग्राम दौरा, निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। 9,000 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेस वे, तो 4 हिस्सों में बांट कर किया जा रहा है निर्माण कार्य। हरियाणा में निर्माण कार्य 99.25% तक पूरा हो चुका है। गुरुग्राम से दिल्ली पहुंचने का जो वैकल्पिक मार्ग है वो अब मिल सकेगा। आकाश खुराना गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल गुरुग्राम के दौरे पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, कल गुरुग्राम में नितिन गडकरी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से जो बनकर तैयार हो रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। वहीं साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद गुरुग्राम के जो नए सेक्टर हैं और उनको जो है द्वारका एक्सप्रेसवे वो जोड़ेगा। साथ ही साथ कुछ ग्रामीण जो इलाके हैं वो भी वहाँ उस जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे वहाँ से जुड़ते हैं, तो ऐसे में बड़ी राहत जो है वो लोगों को जो है आने वाले समय में मिलने जा रही है। और कल इसका जो है निरीक्षण करने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो 29 किलोमीटर लंबाई वाली ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हरियाणा का जो हिस्सा है वो लगभग 18 से 19 किलोमीटर का है, जिसका जो है अंतिम चरण में वो है और जल्द ही वो बनकर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल। हालांकि आकाश, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बहुत ज्यादा सहूलियत तो होगी, साथ ही जो समय का बचत है वो भी लोगों को होगा और यात्रा भी सुगम रहेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जाता है कि काफी जाम जो है वो पहले उस तरह रहता था, लेकिन अब इस द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जो है काफी राहत जो है लोगों को मिलेगी, क्योंकि जो नए सेक्टर है वहां से सीधा जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है होगी और दिल्ली जो है आसानी से इस रास्ते से जो है पहुंचा जा सकेगा। और साथ ही साथ तकरीबन 99% काम जो है इसका पूरा हो चुका है, वहीं जो बचा काम है उसको भी जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाएगा। और वहीं कल नितिन गडकरी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ इसका निरीक्षण करेंगे। और इससे पहले भी जिस तरीके से देखा गया था कि जाम से राहत के लिए सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर जो बनाया गया था, तकरीबन 1.5 घंटा जो है गुरुग्राम से सोना जाने में लगता था, लेकिन अब 20 से 25 मिनट जो है सोना जाने में लगता है। लेकिन अब ऐसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद जो है काफी राहत लोगों को मिलेगी, साथ ही साथ जाम से भी निजात मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो फिलहाल बता दें 4 हिस्सों में बांट कर इसका निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर हो रहा है। हरियाणा में निर्माण कार्य 99.25% जो है वो पूरा हो चुका है।